हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बेटा। इसमें हम सीखेंगे कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, कैसे इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं, और बेटा इसके आगे एक दो वीडियो और हैं उनमें भी हम यही चीज़ें सीखेंगे कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, कैसे इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। बेटा क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये CBSE बोर्ड 2015 में आया। नाउ बेटा सी हियर, ऑन द सेट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस ऑफ माइनस वन, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव ऑन आर एक्सेप्ट माइनस वन। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर एक्सेप्ट माइनस वन इज इन्वर्टेबल। नो बेटा सी, पहले हम इसको कम्यूटेटिव प्रूव कर लेते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए बेटा हम इसको ए स्टार बी बेटा आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए बी। अब बेटा हम इसको बी स्टार ए निकालते हैं, तो बी स्टार ए निकालते हैं बेटा। अगेन बेटा जब भी ऐसा निकाल अप्लाई करना होगा आपको, हमेशा रफ में कर लिया करिए। ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट हो क्या रहा है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई किया गया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई किया गया है। नो बेटा सी, इसमें फर्स्ट बी है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बी प्लस ए आएगा, तो यहाँ पे आएगा बी प्लस ए प्लस बी ए, और ये बेटा हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अगेन लिखते समय हम वो लिखेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर्स इज कम्यूटेटिव, क्योंकि ए बी बराबर बी ए है, इस बात को हमें प्रूव करना होगा। तो हम बोलेंगे बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर्स इज कम्यूटेटिव। अब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम ब्रैकेट ए स्टार बी पे लगा लेते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सेम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, बॉर्ड मास का रूल। ए स्टार बी क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस ए बी। अब बेटा ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और सी हमारा सेकेंड एलिमेंट है। अब वापस रूल लगाइए, फर्स्ट प्लस सेकेंड तो आएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी। हमने फर्स्ट प्लस सेकेंड करा बेटा, और क्या करना है हमें, सेकेंड फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करा तो आएगा ए सी बी सी और ए बी सी। अब बेटा इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने के लिए बेटा हम ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। अब हमारा बी फर्स्ट एलिमेंट है बेटा और सी हमारा सेकेंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब हम ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है बेटा और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है, हमारा रूल सेम है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, और फिर हम फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट को हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो आया ए बी ए सी और ए बी सी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन बराबर है फोर्थ इक्वेशन के, आप देख लीजिए साफ दिख रहा है आपको, थर्ड और फोर्थ बराबर है, क्यों है, देखिए ए ए के बराबर हो गया बेटा, बी बी के बराबर हो गया बेटा, ए बी के बराबर हो गया, सी सी के बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, और ए बी सी के बराबर हो गया। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, द गिवन फंक्शन इज कम्यूटेटिव, द गिवन फंक्शन इज एसोसिएटिव एज वेल। अब बेटा हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। अब हमें सीखेंगे कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला जाता है और कैसे इनवर्स एलिमेंट निकाला जाता है। अब ध्यान से देखिए बेटा रूल्स क्या हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के और इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट हम क्या करते हैं बेटा, ए स्टार ई को ए के बराबर कर देते हैं और इससे हम ई का वैल्यू निकालते हैं, और जो ई का वैल्यू आता है वही हमारा
आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ए स्टार ई को हम ए के बराबर करते हैं और इससे हम ई का वैल्यू निकालते हैं, और जो ई का वैल्यू आता है वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इसको करने का एक तरीका ये भी होता है, हम ई स्टार ए बराबर ए कर देते हैं और इससे हम ई का वैल्यू निकालते हैं, और जो ई का वैल्यू आता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट अप्लाई कहलाता है। अब देखिए अप्लाई कैसे करते हैं, हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन था ए स्टार ई बराबर ए करा हमने, अब हमारा ए फर्स्ट एलिमेंट है बेटा और ई हमारा सेकंड एलिमेंट है, हमने अप्लाई करा तो ए प्लस ई फर्स्ट प्लस सेकंड, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ए प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड करना, तो हमने क्या करा ए प्लस ई प्लस ए ई बराबर ए के हो गया बेटा। ये ए और ये ए बेटा हमारा कैंसिल हो रहा है, देखिए ये ए और ये ए हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ए इसमें से ई कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ गया, वन प्लस ए आ गया बराबर ज़ीरो आ गया। दो नंबर मल्टीप्लाई में है बेटा और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब होता है या तो पहला नंबर ज़ीरो है, नहीं तो दूसरा नंबर ज़ीरो है, नहीं तो दोनों नंबर ज़ीरो हैं। लेकिन बेटा वन प्लस ए ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए का वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता। हमारा जो ए है बेटा वो हमारा ए किसको बिलोंग करता है, ऑल रियल नंबर्स को बिलोंग करता है एक्सेप्ट माइनस वन। तो हमारा जो ए का वैल्यू है उसके पास माइनस वन है ही नहीं, तो हमारा ए का वैल्यू माइनस वन हो ही नहीं सकता, मतलब हो क्या रहा होगा, ई जीरो रहा होगा, तो ई का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है, और ये जो ई का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ बेटा फॉर इनवर्स एलिमेंट हम बोलेंगे ए स्टार बी बराबर हो गया ई के, हम आगे लिखेंगे बेटा वेयर b is the inverse element of a, where b is the inverse element of a। अगेन बेटा हम सेम रूल अप्लाई करेंगे a स्टार b के अंदर, तो क्या आएगा a प्लस b प्लस ए बी, और e का वैल्यू बेटा हमने निकाला वो जीरो आया। अब हमें निकालना क्या है बेटा वो मत भूल जाइएगा, हमें b का वैल्यू निकालना है क्योंकि b हमारा क्या है हमने माना है इनवर्स एलिमेंट माना है, तो हमें b को निकालना, तो b को अलग कर लेंगे बेटा, तो b प्लस ए बी, इनमें से b कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या वन प्लस ए, और ये प्लस का a इधर आके माइनस का a हो जाएगा, और b डिफाइन हो जाएगा माइनस का a अपॉन वन प्लस a, क्योंकि 1 प्लस ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, अगर 1 प्लस ए 0 हो जाएगा तो बी नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस ए 0 नहीं हो पाएगा हमें पता है, क्योंकि ए के पास वैल्यू माइनस वन नहीं है, क्योंकि हमारा ए जो बिलोंग करता है ए हमारा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन है, तो ए के पास माइनस वन है ही नहीं, तो ए के पास माइनस वन तो 0 नहीं हो पाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आ गया माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए आ गया। तो जो भी रियल नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास कौन कौन से रियल नंबर अवेलेबल हैं, हमारे पास सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट माइनस वन, तो ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए इन्वर्टेबल है, और उसका इन्वर्टेबल वैल्यू क्या आएगा बेटा माइनस ए अपॉन वन प्लस ए। अगला वीडियो और देखिए बेटा और ढंग से समझ में आएगा, थैंक यू बेटा।